सो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल तो मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ अपनी इनोवा क्रॉस टॉप मॉडल इसका मैं अच्छे से आपको वॉक अराउंड रिव्यू दे देता हूँ सबसे पहले तो आपको इसमें एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती है पूरी नीचे आपको डी प्लस इंडिकेटर डोअल ग्रिल मिल जाती है इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर टोयोटा का लोगो यहाँ पे आपको अपना एडास फंक्शन मिल जाता है इस गाड़ी में ऑटोमेटिक वाइपर्स हाइब्रिड की बैजिंग ओ आर वी एम पे इंडिकेटर डोर हैंडल क्रोम में यह फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है यहाँ पे अलॉय व्हील गुड ईयर के इसमें टायर मिल जाते हैं टायर साइज है टू ट्वेंटी फाइव फिफ्टी आर एटीन फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है इसमें पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक पीछे की लुक दिखाऊं तो पीछे की लुक कुछ ऐसी है एलईडी टेल लाइट्स इलेक्ट्रॉनिक बूट लैंप भी मिल जाता है पीछे हेलोजन JBL का सबूफर यहाँ पर आपको बटन मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट के रियर कैमरा टोयोटा लोगो शार्कफिन एंटीना हाई स्टॉप लैंप हाइब्रिड बैजिंग फोर पार्किंग सेंसर्स इनोवा हाई क्रोस बैजिंग वाइपर रियर डिफोगर शार्क फिन एंटीना इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट गेट विद वन क्लिक ये इनोवा हाइक्रोज इनोवा क्रिस्टा और टोयोटा फॉर्चूनर के बीच में रखी गई है ताकि उन दोनों की जरूरत को ये फुलफिल कर सके लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी है फिफ्टी टू लीटर्स पेंड्रोमिक सनरोफ इसकी मेरे को पीछे की लुक ज़्यादा खास नहीं लगी आगे की पीछे के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है बाकी आपको बूट स्पेस इसमें थ्री हंड्रेड लीटर्स का मिल जाता है एलईडी टेल लाइट्स इंडिकेटर्स एक्सपीरियंट है इसका इसके इंटीरियर में और दिखा देता तो हूं मैं। पीछे साइड आपको मैगजीन होल्डर बोतल होल्डर जेबीएल के स्पीकर पावर विंडो लेदर्स की आपको इसमें सीट मिल जाती है कंफर्टेबल गाड़ी है कैप्टन सीट्स इसमें आपको अवेलेबल हो जाता है आप स्पेस कुछ भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है नीचे आपको थाई स्पोर्ट ए सी वेंट्स आपको रियर में कंट्रोल मिल जाता है आर्म रेस्ट भी मिल जाता है यहाँ पे सीट रिक्लाइनर पीछे साइड आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता हैड रेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं इसमें लैम्प रियर ए सी वेंट्स ग्रैब हैंडल एनड्रोमेक सनरूफ सनरूफ सन रूफ इसकी काफी ह्यूज मिल जाती है आपको आराम से कंफर्टेबली खड़े हो सकते हैं यहाँ पे आपको लाइट एंड सनरूफ का कंट्रोल मिल जाते हैं ऑटोमेटिक ए आपको रियर में मिल जाते हैं टू टाइप से सॉकेट फ्रंट डोर में आपको यहाँ पे लेदर विद हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है मैगजीन होल्डर वोटर होल्डर जेबीएल के स्पीकर यहाँ से आप डोर ओपन कर सकते हो चारों पावर विंडो लोकल लॉक का बटन ओ आर वी एम एडजस्टेबल आप अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो मेमोरी सीट्स मिल जाती है आपको इसमें और डोर ओपनर आपको क्रोम में मिल जाता है यहाँ पर आपका रिमाइंड कर देता है अगर कोई आपके ब्लाइंड स्पॉट में है तो इसमें ये भी फ़ीचर काफ़ी अच्छा मिल जाता है सीट रिक्लाइनर और आप अपनी सीट आगे पीछे कर सकते हो यहाँ से आप अपनी बूट ओपन कर सकते हो स्टेयरिंग अपने कुछ ऐसे मिल जाता है लेफ्ट साइड में स्टीरियो कंट्रोल राइट साइड में क्रूज कंट्रोल इन्फरटेनमेंट सिस्टम आपको जे का मिल जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आमरे साफ्टवेयर ड्राइवर साइड से ऑपरेट कर सकते हो ऑटोमेटिक आई आर वी एम सन रूफ कंट्रोल्स सन वाइजर पर आपको मिरर मिल जाता है ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड दोनों विद लैम्प ऊपर आपको पैनोमिक सन मिल जाते हैं उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं हेजार लाइट एंड टू ए सी वेंट्स पावर बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है टाइप एंड टाइप सी सॉकेट यहाँ से आप फ्यूल एंड हुड ओपन कर सकते हो शार्क फिन एंटीना सनरूफ अब मैं आपको ना इसका थर्ड रो स्पेस और दिखा देता हूँ इसमें कैसा स्पेस मिल जाता है देख सकते हो आप काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है बस इसमें थाई सपोर्ट बहुत कम है नीचे और यहाँ से अपनी सीट आगे कर सकते हो ग्रैब हैंडल सीट बेल्ट लैम्प भी आपको एक पीछे मिल जाता है आर्मरेस्ट पीछे से आपको कुछ ऐसा इंटीरियर मिलता है और यहाँ पे आपको एक बारह फुट का सॉकेट भी मिल जाता है इसमें दो हजार सी सी इसमें इंजन मिल जाता है फोर सिलेंडर के साथ जो कि निकालता है अपनी वन एट्टी फोर बी एच पी वन हंड्रेड एंड एटी एट एन एम टॉक कंपनी इसकी माइलेज क्लेम करती है ट्वेंटी थ्री के एम की हाइब्रिड यानी कि इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल दोनों साथ काम करता है इसमें इसका मैं आपको प्राइस और बता देता हूँ इनोवा हाईक्रो जेड एक्स वेरियंट का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है ट्वेंटी एट पॉइंट थर्टी थ्री लैख और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलो भाई वो वीडियो देख लें आपसे धन्यवाद बाय बाय